हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है? इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, स्कूल में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप लोगों को भी खेलना बहुत पसंद होगा ना? तो चलिए आज कुछ खेलों के बारे में जानकारी ली जाए। तो आपकी क्लास का लेसन 4, लेट्स ऑल प्ले पढ़ते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस तस्वीर में ऊपर की साइड बच्चे जो खेल खेल रहे हैं उसका नाम है खो खो। खो खो में बच्चे एक दूसरे से अलग दिशाओं में यानी अलग डायरेक्शंस में मुंह करके बैठते हैं और एक टीम के तीन या दो खिलाड़ी दौड़ते हैं और पहली टीम के जो बच्चे नीचे बैठे हैं उनमें से एक खड़ा होता है, वो भागने वाले या दौड़ने वाले बच्चों को पकड़ता है। अगली पिक्चर में बच्चे स्टापू खेल रहे हैं। स्टापू खेलने के लिए हमें सिर्फ एक छोटे से पत्थर के टुकड़े की जरूरत होती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनके पास कुछ पत्थर हैं और एक बॉल है। इस खेल का नाम है पिट्ठू। पिट्ठू में दो टीमें होती हैं और पहली टीम पत्थर को बॉल से मार के पत्थर गिराती है और उन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जचाने की कोशिश करती है और दूसरी टीम के बच्चे उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। ये कौन से खेल की पिक्चर है? इस खेल का नाम है बैडमिंटन और इस खेल को खेलने के लिए हमें रैकेट और शटल कॉक यानी इसे हम कॉक भी बोलते हैं, इनकी जरूरत होती है। इसमें भी दो टीमें होती हैं। क्या आप जान पाए ये कौन सा खेल है? जी हाँ, यह हॉकी है। हॉकी में भी दो टीम होती हैं। इन टीमों में को एक दूसरे से दूसरी तरफ जो जाल लगा होता है उसमें गोल करना होता है। हॉकी खेलने के लिए हमें एक हॉकी और बॉल की जरूरत होती है। ये कौन सा खेल है? सही पहचाना, क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए वैसे तो कई चीजें चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे ही बिना ज्यादा सामान के खेलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बैट और बॉल की जरूरत है। ये खेल है कैरम और इस कैरम को खेलने के लिए हमें एक कैरम बोर्ड की जरूरत होती है। ये लड़की रस्सी कूद रही है यानी इस खेल को हम स्किपिंग कहते हैं। स्किपिंग हम अकेले भी कर सकते हैं और स्किपिंग करने के लिए हमें रस्सी की जरूरत होती है। तो आज हमने कई सारे खेलों के बारे में जाना। अभी तक के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू।